फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड आई एम गोइंग टू कवर न्यू टॉपिक दैट इज हार्मोनिक हीप। तो गाइस, इससे पहले हमने क्या किया था, बाइनोमियल हीप किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था एंड डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो अगर आप कंपेयर करो हार्मोनिक हीप एंड बाइनोमियल हीप, बोथ आर सेम टाइप ऑफ हीप, राइट? थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी में आपको डिफरेंस नजर आएगा, आपकी परफॉर्मेंस में नजर आएगा, लेकिन उसको सोल्व करने का सिनेरियो और ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, राइट? जैसे हम सोर्टिंग करते हैं, बबल सोर्ट करते हैं, सिलेक्शन सोर्ट करते हैं, इंसर्शन सोर्ट करते हैं, कर तो सभी सोर्टिंग भी है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस होता है। सेम सिनेरियो इस डेटा स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं तो फिबोनाची। तो अगर आपको बाइनोमियल हीप की नॉलेज है, then you can understand this concept very very easily. So I request, अगर आपने binomial heap के tutorial नहीं देखे हैं, kindly go through all the tutorial और उसके बाद आप Fibonacci heap को understand कीजिए, okay? तो Fibonacci heap है क्या था? Fibonacci heap is a collection of minimum heap ordered tree, right? Minimum जितने भी heap हैं ordered उनको collection किया जाता है, and the trees Fibonacci heap are not constrained to the binomial tree. तो जो Fibonacci heap है वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि बाइनोमियल ट्री को फॉलो करेगा, नो, उसकी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो गाइस, बाइनोमियल हीप में क्या होता था, बाइनोमियल ट्रीज होते थे और हर एक ट्री डिफरेंट डिग्री का होता था, लेकिन यहाँ पर सेम डिग्री का भी है। जैसे 23 की डिग्री 0 है, 7 की डिग्री 0 है, जो कि बाइनोमियल ट्री या बाइनोमियल हीप में ऐसे नहीं होता था, राइट? तो सेम डिग्री के ट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फिबोनाची हीप में, फर्स्ट। सेकेंड, कोई भी आपका नोड है बाइनोमियल हीप में, वहां पर कितने नोड्स होते थे? 2 raised to power k। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस नोड की बात करूं, ये क्या है आपका, ये b2 नोड है, राइट? ये क्या है आपका b2 नोड, एस पर द टर्मिनोलॉजी ऑफ बाइनोमियल हीप। तो इसमें टोटल कितने नोड्स होते थे, उसका फॉर्मूला होता था 2 raised to power k, मतलब 2 raised to power 2 है ना b2, तो यहाँ पर 4 होंगे, 1 2 3 4, राइट? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सेम नहीं, यहाँ पर नहीं है कि 2 raised to power k होंगी, ये बाइनोमियल हीप में होता था। फिबोनाची हीप में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इन प्रॉपर्टी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची हीप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो वहां पर तो ये डेफिनेटली था कि 2 raised to power k होंगी होंगे, लेकिन फिबोनाची हीप में इट्स नॉट कंपल्सरी, ओके? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूटेड नोड है। तो इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, दिस वन, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ मिनिमम हीप्स होंगे, रूटेड नोड होंगे, जैसे 23 है, 7 है, 3 है, 17 है, 24 है, राइट? अब ये सेम डिग्री क्या है, देखो ना, तो 23 की डिग्री कितनी है, 0 है, इट मीन उसका कोई चाइल्ड नहीं है, 7 का भी नहीं है, राइट? लेकिन 3 के कितने चाइल्ड है, 3 की डिग्री कितनी है, 3 है, 7 की डिग्री 1 है, 24 की डिग्री कितनी है, 2 है, ओके? तो अब ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी होती है फिबोनाची हीप की कि इसमें कुछ नोड होते हैं मार्क्ड भी होते हैं और अनमार्क्ड भी होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 18 39 एंड 26, ये मार्क्ड नोड है, राइट? मार्क्ड नोड मतलब ये मार्क होंगे और जो रिमेनिंग नोड है वो अनमार्क्ड है, राइट? अभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मार्क नोड क्या होते हैं, अनमार्क नोड क्या होते हैं, जब हम इसकी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम हीप, राइट? किसी एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम, एट दैट सिनेरियो आपको इसका लॉजिक क्लियर होगा कि मार्क नोड एंड अनमार्क नोड की क्या इंपॉर्टेंस है, ओके? एक तो ये इसमें एडअप हुई है। सेकेंड, हम इसकी कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। जब हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो फिबोनाची हीप में रूट नोड होते हैं या उसके चाइल्ड नोड होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू, राइट? किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, डबली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे ये इसका फर्स्ट नोड है, तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, राइट? तो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन किसके थ्रू, डबल लिंक्ड लिस्ट, मतलब उसका एक राइट चाइल्ड होगा, राइट साइड, और एक लेफ्ट होगा। अब 7 का राइट क्या है, 3 है, एंड 3 का लेफ्ट क्या है, 7 है, ओके? 3 का राइट क्या है, 17 है, 17 का लेफ्ट क्या है, 3 है, एंड 17 का राइट 24 है, और इसका लेफ्ट क्या है, 17 है। तो इसी तरह 24 का राइट क्या है, जो उसका इनिशियल होगा, राइट, ये है, और 23 का लेफ्ट क्या है, वो उसका एंडिंग नोड होगा, ये देखिए,
ये होगा राइट। तो जितने भी रूट है आपस में इंटरकनेक्टेड है, डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। तो जैसे ये रूट नोड आपस में इंटरकनेक्टेड है डबल लिंक लिस्ट के थ्रू, वैसे इसके चाइल्ड भी ऐसे ही होते हैं। अब जैसे थ्री के थ्री चाइल्ड हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड 18 का राइट क्या है 52, और 52 का लेफ्ट क्या है 18, 52 का राइट क्या है 38, 38 का लेफ्ट क्या है 52। अब 38 का राइट क्या है 18, और 18 का लेफ्ट क्या है 38। तो ये आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे ये 30 है, 30 का सिंगल चाइल्ड है ना 17 का, तो ये आपस में है, इसका लेफ्ट क्या है यही है और राइट क्या है यही है, मतलब ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अगर सिंगल होगा तो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। इसी तरह 26 भी ऐसे ही होगा राइट, 35 भी ऐसे ही होगा, ये कुछ ऐसे अपने आप को ही पॉइंट कर रहे हैं। ओके, इसका लेफ्ट यही है, इसका राइट भी यही है। तो गाइस ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इसी तरह जो ये चाइल्ड है ये अपने पेरेंट को भी डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, ये देखो ये कुछ ऐसे करेंगे डिनोट, ये इनका भी कनेक्शन होगा अपना। ओके, तो इसी तरह ये डबल लिंक लिस्ट के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो फिबोनाची हीप में इंट्रोड्यूस है, जो कि बाइनोमियल हीप पे नहीं था। तो फर्स्ट क्या था, ये रूटेड नोड होते हैं राइट, और रूटेड नोड सेम डिग्री के भी हो सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंट कंडीशन, सेकंड डिफरेंट कंडीशन क्या थी कि इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि 2^k नोड्स होंगी होंगे, जो कि बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी थी। थर्ड, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो रूटेड नोड है और जो उसके चाइल्ड नोड है वो आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं, डबल लिंक लिस्ट के थ्रू होते हैं। तो गाइस ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी भी फिबोनाची हीप की, तो आगे और भी प्रॉपर्टीज हैं राइट। तो ये मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करके भी आपको बताया और उसका स्ट्रक्चर भी बताया। तो आगे हम डिस्कस इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज करेंगे कि फिबोनाची हीप के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको डिफाइन करती है। गाइस ये कुछ प्रॉपर्टीज है फिबोनाची हीप की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक बाइनोमियल हीप कैन हैव मेनी ट्री ऑफ सेम डिग्री राइट। तो सेम डिग्री के इसमें ट्रीज हो सकते हैं, एंड ट्री डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2^k नोड, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ट्री है राइट, तो यहाँ पर 23 का कोई नोड नहीं है, 0 डिग्री है। 7 का कोई नोड नहीं है, 0 डिग्री है, मतलब दो नोड सेम डिग्री के प्रेजेंट है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कैन हैव मेनी ट्री ऑफ सेम डिग्री, जो कि बाइनोमियल हीप में ऐसा नहीं होता। And 3 does not have exactly 2^k node. It doesn't mean कि 2^k nodes होंगे ही होंगे. No, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे ये 7 है, 7 की डिग्री कितनी है? 0 है, तो 2^ कितना हुआ? 0 हुआ, तो वो कितना होता है? 1, तो यहाँ पर 1 node है. लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उतनी होंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 है, अब 3 की डिग्री कितनी है? 3 है राइट, इस नोड की कितनी डिग्री है? 3 है, तो 2^3 कितना होगा? 8 होगा ना, लेकिन यहाँ पर नोड कितने हैं? 4 है राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट लिखे हुए डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2^k नोड, जो कि पॉसिबल था आपका बाइनोमियल हीप में। ट्री इन फिबोनाची हीप आर रूटेड बट अनोडेड। अब देखो जितने भी ये रूट नोड है वो रूटेड है, सेम लेवल पर है, लेकिन वो क्या है? अनोडेड है। बाइनोमियल हीप में क्या होता था? ओडेड होते थे, ये पहले स्मॉलेस्ट रूट आएगा, फिर उससे ग्रेटर, B0, B1, B2। इसमें ऐसा नहीं है, रूटेड जरूर होंगे लेकिन उनका ऑर्डर डिफाइन ही होगा, वो हमें करना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट, रूट एंड सिबलिंग आर सर्कुलेटेड डबली लिंक लिस्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि रूट्स को और जो उसके चाइल्ड होते हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है, कैसे होता है? डबल लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू राइट, वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। फोर्थ क्या है, ईच नोड हैव इट्स डिग्री, हर नोड की एक डिग्री है। जैसे 23 की डिग्री 0 है, 7 की डिग्री 0 है, 3 के 3 चाइल्ड है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, 17 का 1 चाइल्ड है, 1 डिग्री है, 14 का 2 चाइल्ड है, तो 2 डिग्री है। एंड उसको डिफाइन कैसे करते हैं? द डिग्री ऑफ एक्स नोड इज डिग्री, इस सिंबल के साथ हम डिफाइन करते हैं राइट। ईच नोड मार्क्ड आइदर 2 और 4। देखो इसमें क्या होता है, कुछ मार्क नोड होते हैं, कुछ अनमार्क्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये मैंने मार्क किया हुआ है ना, और ये भी मार्क है, और सारे अनमार्क्ड है। तो जो मार्क्ड होते हैं उसका मीनिंग ट्रू होता है, जो अनमार्क्ड होता है उसका मीनिंग फॉल्स होता है। अभी आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होगा कि मार्क नोड और अनमार्क्ड का मीनिंग क्या होता है, जब हम फिबोनाची हीप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहां पर पर्टिकुलर कंडीशन होगी
कई बार हमें अनमार्क को मार्क बनाना पड़ेगा या मार्क को अनमार्क नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जब भी आप यूज करते हो फिबोनाची की, जब भी आप यूज करते हो ये यूज होती है। जैसे मिनिमम हीप, हर एक न्यूट्री नोड में एक मिनिमम हीप होगा। जैसे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नोड क्या है, थ्री है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम एच, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था अनलाइक बाइनोमियल हीप, बाइनोमियल हीप भी क्या होता था, मिनिमम हीप होता था ना, फिबोनाची हीप भी वैसी है। तो पॉइंट टू रूट ऑफ ट्री, मतलब जो सबसे मिनिमम पॉइंट है उसके लिए हम यूज करते हैं मिनिमम। उसके बाद क्या है, एन, एन का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन फिबोनाची, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन फिबोनाची के लिए हम एन एच रिप्रेजेंट करते हैं। टी कब यूज करते हैं, टी, टी का मीनिंग होता है आपका रूट, राइट। नंबर ऑफ रूटेड ट्री इन फिबोनाची, इसमें कितने रूट नोड है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रूट है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, टी ऑफ एच, मतलब इस हीप में रूटेड नोड कितने हैं। M का मीनिंग क्या होता है, टोटल मार्ग नोड, कि कितने मार्ग नोड है, नंबर ऑफ मार्ग नोड कितने यहाँ पर, 1 2, राइट, टोटल 2 मार्ग नोड है, ठीक है। तो M का मीनिंग क्या होता है, मार्ग नोड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो 5 के साथ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इज इक्वल टू टी एच, टी एच का मीनिंग क्या था, रूटेड नोड, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, नंबर ऑफ रूटेड नोड ये आ जाएगा, प्लस 2 MH, M का मीनिंग क्या होता है, मार्क नोड। अब यहाँ पर रूटेड नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर 5 मेंशन कर सकता हूँ, प्लस 2 2 into M। अब मार्क नोड इसमें कितने हैं, 1 2, तो टोटल 2 मार्क नोड है ना, तो मैं 2 into क्या यहाँ पर लिखूंगा, 2 into 2, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4, 5 plus 4, मतलब टोटल इसकी पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो गाइस ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आपने फिबोनाची को लर्न करना है तो ये बेसिक आइडिया है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसमें टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है, उसका पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि हमने इस वीडियो में कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऑपरेशन को स्टडी करेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करेंगे बाइनोमियल हीप की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। सो वी विल कवर दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।